जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कहे गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था, बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि ये हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है, हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी, मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे, आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाएं, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाएं, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजोरिटी बन जाएगी। आज मेजोरिटी होते हुए भी माफ करना मैं थोड़ा सा दृष्ट हूं, मुंह फट हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। आप खुशकिस्मत हैं जो आपके यहां पर एक शक्तिमान बैठा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने मुसलमानों को यह बताया है कि आप मुसलमान बाद में हैं, आप पहले इस देश के नागरिक हैं। धर्म बाद में आता है, संप्रदाय बाद में आता है, पहले देश आता है। अगर आपको यहां रहना है तो आप इस देश के नागरिक बन के रहिए, यह नहीं कि वहां पर पड़ोसी देश में बरसात हुई है तो छाते यहां खुल जाते हैं तो आप हमारे देश के नहीं हैं। और ये करके दिखाया है गुजरात में, और ये करके दिखाना पड़ेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा, भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे विजय।